हो भैया? और नॉन स्ट्राइक नाम नाम बंगाली नाम क्या बंगाली इसमें नहीं है प्लेइंग 11 में। अभय दुबे, अभय दुबे, अभय नाम है, आइए अभय। बॉलर, बॉलर भैया, बॉलर राम जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। जुड़िए फटाफट, एक बड़ा मैच सामने है, स्ट्राइक पर बल्लेबाज सोनू यादव। पहली गेंद और पहली गेंद काफी बाहर, अंपायर का डिसीजन है नो बॉल। यानी बिना गेंद के आ गए हैं दो। काला पासवान, मेरी आवाज कोई सुन रहा है? काला पासवान बिगड़ के तरीर, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, आपको ढूंढने के लिए आपके मित्र आए हैं। काला पासवान के लड़के परवीन, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। सामने सोनू तैयार, उनके लिए है धनजी, ज्यादा लंबा रहना तो है नहीं। ताहत के बाद ये तरार शॉट इधर वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली वहां पे। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सोनू को, और इसे रन के साथ टीम का स्कोर क्या पहुंचा है? एक जवान है अभय दुबे बंगाली, जो कि बैटिंग कर रहे हैं, वो जितने भी सिक्स लगाएंगे उनको हर एक सिक्स पे ₹200 का इनाम इलियास अख्तर की तरफ से। बंगाली को हर एक सिक्स पे इनाम है। ये लीजिए का इस्तेमाल और तीन शॉट बढ़िया, निश्चित तौर पे चार रन जाएंगे। चार रन लॉन्ग ऑफ की दिशा में, पहला छक्का बंगाली के बल्ले से, स्टॉप से खाता खोला बंगाली ने अपना। बंगाली चार रन से खाता खोला अपना, बिल्कुल आगे निकल के खेलना चाहते थे, वाइड का इशारा पार दे रहा, ये दिशा हिंग गेंद थी, रडार में उनकी आई नहीं, बल्ला तेज चलाते हैं। तब हम मास्टर ब्लास्टर पिच हिटर बल्लेबाज देवंदी की टीम से खेलते हैं, काफी मान है इस खिलाड़ी का। बिल्कुल आगे निकल के खेल दिया है की दिशा में, फील्डर है मौजूद, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, एक रन से एक रन पूरा किया बंगाली ने, और इसी रन के साथ टीम का स्कोर क्या पहुंचा है? 9 तारीख को मैच पढ़ सकता है। पहला ओवर प्रगति पर, जैसे सामने सोनू, ये लीजिए, ये तो बिल्कुल डाउन द ग्राउंड है, यानी स्ट्रेट हिट, लगभग लगभग के ऊपर से मार दिया छह रन के लिए, बिल्कुल बीचों बीच बॉल के ऊपर से। और ओवर की समाप्ति, और एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 26 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों विस्फोटक बल्लेबाज देवंदी के, दोनों विस्फोटक बल्लेबाज सोनू यादव और अभय दुबे बंगाली। अभय दुबे बंगाली जो कि बैटिंग कर रहे हैं, उनके हर एक छक्के पे इलियास अख्तर की तरफ से ₹200 का इनाम और डोमा जी की तरफ से ₹100 का इनाम। लीजिए इनामों की बौछार हो रही है, और बंगाली ये नाम बड़ा है, छोटा धमाका बॉलर, बॉलर काफी बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं। बॉलर, बॉलर नेम इलियास सर की तरफ से प्रत्येक छक्के पे ₹201 का इनाम है, डोमा जी की तरफ से प्रत्येक छक्के पे ₹100 का इनाम है, यानी अब अपना जलवा भी दिखाइए, इनाम भी लूटिए। और यह तीन बोल हो गए, गेंद सीधे जाकर रिश्वत पर नजर आई, काफी हताश निराश है अपने आप से बंगाली, क्योंकि ऐसे गेंद उनके रडार में होती है तो निश्चित तौर पर 6 रन के लिए
हुए थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब पहला झटका लगा है 26 रन के निजी स्कोर पे। नीरज कुमार लालू और नए बल्लेबाज है लालू। लालू को करना पड़ेगा बड़े बड़े कारनामे चालू। अगर लालू यहां 50 रन बनाते हैं तो उनको इलियास अख्तर की तरफ से 1000 रुपये दिया जाएगा। पहली गेंद पे मार दिया सारे के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्वार्टर बॉल की रडार में गेंद थी और देख लिया दर्शक गिर गए। इसे एक 6 रन के साथ खाता खोला है लालू ने अपना। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। बंगाली का विकेट गिरा थोड़े से दबाव में। ऐसा लगा कि पीछे की पेवंदी की टीम लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। पहली गेंद पे अपना इरादा दर्शा दिया है लालू ने। लीजिए दो गेंदे दो छक्के बिल्कुल लॉन्ग के ऊपर से 95 मीटर का लंबा छक्का लालू के बल्ले से। लालू हो गया है चालू। रोकना इनको हो जाएगा मुश्किल। लीजिए इनाम की में 4 लेकर डॉक्टर जी के हाथ में पहुंच गए। कृपया बोलिए ले लीजिए लालू जी। ये रिस्पेक्ट है ये प्यार है इनका ये दुलार है। देखो डोमा जी जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाए मुकाबले को शुरू किया जाए। ये दोनों ये की जनता है प्यार करती है यहां के खिलाड़ियों से। ये तो निश्चित तौर पर दिशा ही गेंद होगी लेकिन उसका देखा भी बाहर वाइड का इशारा पार द्वारा। थोड़े से परेशान है गेंदबाज दोनों बड़ी अंपायर वाइड का इशारा बाहर पास अंपायर से टॉस का कर अंपायर ने गेंद से अंपायर है अनुभवी खिलाड़ी अनुभवी अंपायर लाला पत्ता खाने के बाद लेकिन उसका निश्चित तौर से बाहर गुजर रही है गेंद। दोनों बाजुओं को एक और अपने प्रेम परिसर के साथ टीम का स्कोर क्या पहुंचा है। अगर लालू जो तरफ से 300 रुपए का इनाम 39 यानी हैट्रिक पे है लालू। दो गेंदों में 8 रन दो छक्के लगा दिए हैं। अगर ये तीसरा छक्का लगाते हैं तो बिल्कुल हैट्रिक बना लेते हैं और इनामों की बौछार लगी है जिस तरीके से साली अहमद भाई बता रहे हैं। ये चुके हालांकि बल्ला चढ़ा जरूर था लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी अच्छी वापसी किया गेंदबाज में। परेशान जरूर है दबाव महसूस कर रहे हैं लेकिन अच्छी गेंदबाजी। लालू है तैयार सामने गेंदबाज फिर से दिशा इन गेंद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अच्छी गेंदबाजी अच्छी वापसी परेशान कर दिया है लालू को। हालांकि शुरुआती में दो गेंदों में दो छक्के लगे जरूर लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल लेग पर पटक रहे गेंद। भित्ती पर 1000 रुपए का इनाम है लालू को। लालू अगर 50 रन बनाते हैं या अपना अर्धशतक पूरा करते हैं 1001 रुपए का इनाम और फिर से वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। एक और अतिरिक्त रन 1001 रुपए का इनाम इलियास अख्तर की तरफ से लालू जी को दिया जाएगा अगर 50 मारते हैं तो। 1001 रुपए का इनाम लालू जी को दिया जाएगा। और ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति के दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टीम का स्कोर 41 रन एक महत्वपूर्ण विकेट अभय दुबे बंगाली के रूप में। स्ट्राइक पर आ गए सोनू यादव नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज लालू। स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है सोनू यादव अगर वो हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो हसन आर्जू की तरफ से 300 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हसन आर्जू और राजा हसन क्या नाम भैया बल्लेबाज तैयार गेंदबाज
उठता है गेंदबाज कभी भी लगा देंगे खेल दिया लॉन्ग एंड के सामने अलग फील्डर है ना गोल लेकिन बन जाएंगे दर्शक गेंद में दर्शन दिखावे चार रन के लिए और इस चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 45 रन अच्छी बल्लेबाजी हो गई है बॉल अरे सीधी में हैट्रिक विकेट लेना है तो इलियास अख्तर की तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा लीजिए बल्लेबाजी यानी अपना दमखम दिखाइए ले जाइए गेंदबाजी में अपनी फुर्ती दिखाइए हो गई आपके को ये बात इस इनिंग में हैट्रिक विकेट लेता है तो इलियास अख्तर की तरफ से 1000 रुपया और बाबू अलीसान उर्फ बल्लू जी की तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा अरे फुल बस बॉल है बिल्कुल फायदा उठा लेंगे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए इस और ये नो बॉल यानी कमर के ऊपर दिए गेंद 6 रनों के लिए बिना गेंद के 6 रन और अगली गेंद हो गई फ्री हिट और इस छक्के के साथ टी20 टीम का स्कोर जा पहुंचा है 12 रन ये बड़ा बल्लेबाज है सोनू यादव सोनू अरजौली के नाम से फेमस है आपको बिल्कुल दिशा से भटकना नहीं होगा अगर उनको गेंदबाजी बना लीजिए फिर से इस शॉट को 6-8-10 नहीं 12 रन दे दीजिए क्योंकि बिल्कुल 110 मीटर का लंबा छक्का मार दिया लंबन के ऊपर से और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 58 रन तीसरा ओवर प्रगति पर है काफी दबाव महसूस कर रहे हैं गेंदबाज क्योंकि बल्लेबाजी बिल्कुल नियंत्रण में हो रही है बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है सोनू यादव 6 बॉल में 33 रन बना दिए 3 गेंदें दो चौकों की मदद से बल्लेबाज ने लाला दिक्कत भी आई टीम बोल कर दिया यहां पे ठीक है चक्का खा कर बल्लेबाज चमक गया गेंदबाज टीम बोल कर दिया है सोनू यादव ने तो बड़ी मशीन फंसा लिया अपनी जाल में जिस तरीके से अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे सोनू यादव बिल्कुल लंबा स्कोर बन सकता था लेकिन टीम बोल कर दिया है दूसरा सफलता सोनू यादव के रूप में सोनू यादव ने 4 छक्कों के बदौलत 33 रन बनाए हैं अपनी इस पारी में लेकिन अब गए हैं डगआउट में और नए बल्लेबाज आनंद यादव बहुत बहुत गेंदबाज इस इनिंग में हैट्रिक विकेट लेता है तो 1000 रुपए का इनाम इलियास अख्तर की तरफ से दिया जाएगा और 200 रुपए का इनाम बबलू अली खान उर्फ बल्लू जी की तरफ से दिया जाएगा नए बल्लेबाज आए हैं आनंद यादव आगे निकल कर खेलना चाहते हैं हालांकि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया एक रन यानी खाता खोला अपना आनंद यादव ने और इसी रन के साथ टी20 टीम का स्कोर जा पहुंचा है 59 रन दो महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे से खेल दिया ऑफसाइड में फील्डर है मौजूद गेंद को फील्ड किया तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे स्ट्राइक पर आनंद यादव खुद लागे निकल कर खेलना चाहते वाला कि हल्के हाथों से खेलना चाह लेकिन गेंद पकड़ाई पैर से लेग बाई के रूप में 2 रन आनंद यादव अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो इलियास अख्तर की तरफ से 500 रुपए का इनाम गोपी राज आर्या की तरफ से 300 रुपया राजा हसन की तरफ से 151 रुपया इनामों की बौछार है मैं जिस तरीके से बताता हूं कि आप अपना दमखम दिखाइए बिहार बिहार के अंदर आता है पास हो रहा पास में सबसे क्रिकेट में फेमस चेनारी भरौली की धरती है तो यहाँ पे इनामों की बौछार लगी हुई है तो आप अपना हुनर दिखाइए इनाम ले जाइए हैट्रिक विकेट लेने पर 1001 रुपए का इनाम है इलियास की तरफ से तमाम इनाम है यहाँ पे पूरी तरीके से चुके यहाँ पे लालू अच्छी गेंदबाजी टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल भरी गेंदबाजी थी मार राजा के कमी विकेट के ऊपर से पूरी तरीके से चुके बल्लेबाज मोरकल
लेकिन इस बार गलती हो गई, नहीं मार दिया है मंदिर के ऊपर से छह रनों के लिए। ऐसे इस छह रन के साथ तेलंगानी टीम का स्कोर जा पहुंचा है 68 रन दो मैच में विकेट के नुकसान पे। ये पावर है, पावर दिखाया खबास काफी तेज आई लेकिन गेंद में ताकत लगी नहीं, फील्ड किया लॉन्ग ऑफ डिफेंडर ने, एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। लालू का स्कोर बताया जाए, लालू 20 रन की बल्लेबाजी कर रहा है, 3 छक्कों के बदौलत 30 रनों के स्कोर पे लालू। लालू अगर 50 मारते हैं तो इलियास अख्तर की तरफ से 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आनंद यादव लाइक का इशारा अंपायर द्वारा। पूरी तेज को हो चुके बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, गेंद बल्लेबाज के बल्ले से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं गेंद को और सफलता भी मिल रही है। हालांकि अच्छे गेंदबाज भी हैं, आगे निकलकर खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से जुटे बल्लेबाज, अच्छी डिलीवरी, डॉट बॉल। बहुत अच्छा था, हालांकि फील्डिंग उतनी अच्छी हुई, वहां पे करीबी मामला हो सकता था, डायरेक्ट थोल मार देते स्टंप पे लग जाती तो निश्चित तौर पर पवेलियन जाना पड़ता आनंद यादव को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित, ओवर की समाप्ति होती है, स्कोर जा पहुंचा है 70 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद तेलंगानी टीम का स्कोर है 70 रन। अब तक इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर बना है 114 रन जो 6 ओवर में बनाई थी गाजीपुर की टीम ने। लीजिए हालांकि 100 में ताकत लगी थी लेकिन वहीं पे खड़ी हो गई, ये नीचे पहला बार छोड़ दिया है मैच, लेकिन अच्छी फील्डिंग बिल्कुल पहले हाथों से छूटी, दूसरे गेंदबाज से दौड़ लॉन्ग ऑफ से दौड़ गया और फील्ड किया आउट। पहली बार में लॉन्ग ऑफ के थोड़े फिंगर से गेंद छिटकी जरूर थी लेकिन काफी दिलचस्प भरा ये मैच रहा, लॉन्ग ऑफ से दौड़ कर आया पीछे खड़े थे और गेंद को लपक लिया, चलता गया लालू को। न्यू बैट्समैन अविनाश, नए बल्लेबाज है अविनाश, सारे स्टार खिलाड़ी आज के इस मुकाबले में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके की गाजीपुर की टीम थी और अब है तेलंगानी की टीम सामने है, कोचेस की टीम, एक से बढ़कर एक सितारे, एक से बढ़कर एक नायाब खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। आप देखिए आनंद लीजिए, कल जिस तरीके से पारी देख रहे थे गोपीराज आर्यन का, आज देखिए लालू का, सोनू अहलोली का, और अब सामने है अभिलाष, बिल्कुल फोकस बॉल पे खेल दिया, राइट साइड में फील्डर है मजूर, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, खाता खोला अपना अविनाश ने, इसे रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 71 रन। अब स्ट्राइक पर है आनंद यादव, चलता कर दिया आनंद यादव को, यहां तक हमने समझ नहीं पाया कुछ देर के लिए, शॉट जैसा लग गया, ताकत काफी थी शॉट में लेकिन शॉट के खराब था, फील्डर कोई गलती किया नहीं, गेंद को चपका लिया, ऐसा लगा जैसे फेविकॉल लगा है उनके हाथों में और आउट कर दिया है आनंद यादव को। न्यू बैट्समैन राजू, अन्य बल्लेबाज है राजू, पूरी कसी हुई टीम है, ये सारे स्टार खिलाड़ी है, सारे रोहतक जाने वाले खिलाड़ी, अगर राजू है अगर छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम इलियास अख्तर की तरफ से दिया जाएगा। चौथा झटका लगा है आनंद यादव के रूप में और स्ट्राइक पर यानी नए बल्लेबाज आ रहे हैं राजू। राजू के लिए एक और इनाम है गोपीराज आर्यन की तरफ से, अगर राजू जितने छक्के हेलीकॉप्टर को कितने लगाते हैं तो हर छक्के पे 101 रुपए का इनाम गोपीराज आर्यन की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए, अच्छे डिलीवरी, अच्छी वापसी गेंदबाज गेंदबाज द्वारा।
सामने है राजू। जवाब हेलीकॉप्टर यार। सौ रुपए का इनाम राजू के लिए गोपी राजा की तरफ से। जितने भी छक्के लगाएंगे हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम उनको। हेलीकॉप्टर शॉट लगाएंगे तब आप हेलीकॉप्टर शॉट लगाएंगे और जाना जाता है हेलीकॉप्टर शॉट के लिए राजू को। एक बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा नाम है और वो पास का उभरता हुआ सितारा। अगर आप यानी अगली गेंद अभी लालू के पास, ये सब शॉट तो लाल गेंद में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये लाल गेंद जो है बल्ले को हल्का सा नीचे करते हैं प्रति होती है। हरी गेंद जो है हेलीकॉप्टर परफेक्ट बैठ गया। हेलीकॉप्टर शॉट जो है वो हरी गेंद के लिए ही बना है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने शॉट को पूरी दुनिया के लिए बना दिया। जब भी हेलीकॉप्टर कोई लगाएगा जिंदगी भर जीवन भर महेंद्र सिंह धोनी को शॉट से अलग नहीं कर सकता है। बिल्कुल अच्छी गेंद थी, भाई बेटा भाई गेंद की रफ्तार काफी अच्छी थी। अरे बल्लेबाज, बॉलर कौन है भैया? बॉलर रोहतास जी की अच्छा खिलाड़ी मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। इनका पसंदीदा छोर है मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और आज देखना होगा क्या कारनामे कर पाते हैं अविनाश। और अब सामने है राजू हैट्रिक पे है, क्या 501 रुपए का इनाम जीत जो यहाँ से इनके रखे हैं उसे जीत पाते हैं। देखना होगा जिंदा तैयार सामने है राजू। चुप है पूरी चुप पूरी तरीके से चुप गैप से उसने दिया लेकिन 200 रुपए का जो इनाम था जो गोपी का जारी और निकल रहा है वो जीता है इस बल्लेबाज ने और ये ले पाई रुक रहा है एक रन। अभी भी साउंड की आवाज़ जो सही नहीं हुई है वो थोड़ी सी फट फट के आ रही है तो आप समझ नहीं पा रहे हो ना। स्कोर बोर्ड नहीं होता थोड़ा स्कोर निश्चित तौर पर ये बॉल का इशारा पार द्वारा काफी उछाल थी इस गेम में काफी ज्यादा और निश्चित तौर पर वाइड लिए जाते हैं दोनों ओर भव्य अंपायर। आप चिंता ना करें किसी के साथ कोई भेदभाव होगा नहीं, सारे हमारे लिए अपने हैं। दोनों ओर भव्य अंपायर दीपचंद और शशि रंजन लाला जी। बॉल यार सवा शेर जरूर मिलता है जिस तरीके से विस्फोटक पारी में झटका लगाया था इसे पहले वाले बॉलर को वही गेंद वही मगर इस बार अड्डा मार। इसीलिए मेरी भाषा में दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर की कलम से कहा जाता है कि यॉर्कर गेंद जो है दोधारी तलवार है, पड़ी तो विकेट लेगी नहीं पड़ी तो छक्का देगी। तो 1000 रुपये का इनाम लिया सकता मतलब हैट्रिक छक्का लगाएंगे तो 1000 रुपये का भाई इस पाली में तीन गेंद बचा तीन छक्का लगाइए 1000 रुपये का इनाम लगाइए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहली गेंद खेल दिया लोगों के दिशा में जिंदा है मौजूद चार रन मिल जाएंगे सभी को तो अंडी की टीम को। इस गेंद के कारण हुआ तो इनाम में बदलाव हो रहा है लिया सकता की तरफ से हैट्रिक चौका लगाते हैं तो 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। गोपी राज आर्या की तरफ से 500 रुपये राजा हसन की तरफ से 300 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे लिस्ट लग रही है पर यहाँ पे आ गया है या सर राजा हसन गोपी राजेलीकॉप्टर की झलक देखिए यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ताकत और किशोर में थी नहीं है पूरा गया दोनों बल्लेबाजों में और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 4 पहुंचा है। अगर पारी को छक्के से खत्म करते हैं
तैयार। टीम को चतुराई बड़ी गेंदबाजी बीट कर दिया है। छह ओवर की समाप्ति के बाद टोनी टीम का स्कोर है 92 रन। सलमान गाजी टीम नहीं है, आ सकते हैं खेलने। कोटे से टीम को 93 रन दे सकता है, 36 गेंदों में 93 रन दे सकता है और बनते हैं चेस होते भी है। हालांकि इतना आसान बिल्कुल तैयार हो चुकी है और देखने को मिला जिस तरीके से सोनी अंगड़ी अगला आया। जितना भी इनाम रखा गया है उसमें से 200 रुपए का इनाम राजू जीत चुके हैं। तो राजू से अनुरोध है कि मैच खत्म होने के बाद कमेंट्री बॉक्स में आकर ले लेंगे अपना इनाम। बिल्कुल सोसा ट्रॉफी 2023 सीजन 11 बिल्कुल लोकप्रियता के अंतिम चरण पे काफी पसंद के ज्यादा आ रही है टूर्नामेंट। रोहतास में पड़ता है चिनारी और ये चिनारी के एक गांव है काफी फेमस गांव जिस गांव से सागी उम्र जैसे खिलाड़ी है कनौली में भर्ती सिरसा ट्रॉफी 2023 दूसरा मुकाबला दूसरे दिन का टोंटी बनाम कोचस। छह ओवर में टोंटी ने स्कोर पर टांग दिया है। 92 रन जीत के लिए चाहिए 92 रन। कोचस को अगर ये मुकाबला जीतना है तो किस पर गाड़ी खोली होगी, गांव की भी छक्के लगा रहे होंगे, कुछ अपना जलवा दिखाना होगा क्योंकि 36 गेंदों में चेस करना है 93 रन। क्रिकेट है निश्चिताओं का खेल, ये कुछ भी हो सकता है। और थोड़ी सी कमेंट्री में बदलाव आएगी क्योंकि थोड़े से मुझे भी राहत देंगे हमारे छोटे भाई राजा साहब राजा पर। तो आगे का आंकड़े का हाल हमारे छोटे भाई राजा पर द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल भैया का और इस कमेटी का भी कहने नहीं। ये प्लेइंग 11 एक बार फिर से मैं कमेंटेटर राजा परवेज आप सभी दर्शकों का प्लेइंग 11 है तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोचा प्रेमी है उज्जवल सीजन का आज दूसरे दिन का देवंडी का प्लेइंग 11 और बैटिंग स्कोर कार्ड देख लीजिए इस मैच का कितने कितना स्कोर बनाया है। यह स्कोर कार्ड है 92 रन बनाने में 6 ओवर में इतना लगा है। बैटर कैरियर का प्रोफाइल देख सकते हैं। बॉलिंग स्कोर कार्ड देख सकते हैं कुछ बड़ा भी स्कोर नहीं है लेकिन थोड़ी वक्त बताएगा कि किस टीम के पास है ये मुकाबला जाता है। जितने भी दर्शक हैं उनको हम बता दें कि इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वह अगला मुकाबला यानी कि आज का क्वार्टर फाइनल मुकाबला गाजीपुर के इमरान इलेवन से खेलेंगे। मोहम्मद मुख्तार खान जी का बोल दे भाई आपका जो है कमेंट जब आप कर रहे हैं उस वक्त मैं काम में व्यस्त था आपको सारा बोर्ड दिखा रहा था। अब बताइए क्या कह रहे हैं। क्या बोलना है बताइए फटाफट बताइए। टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है कमेंट्री बॉक्स से भेज दें ताकि बल्लेबाज और गेंदबाजों को अपना नामकरण बताया। क्लागन सर जी गलत लिखा है मगर बहुत देर से आगे पीछे घूमते घूमते कोई भी नाम नहीं बताया तो जो नाम कमेंट्री बॉक्स सुनाई दिया वो ऐड कर दिया। मुझे पता है कि पेवंदी लिखना है मगर जब आप नाम नहीं बताएंगे तो भाई मजबूरी है मेरे की। स्कोर कार्ड तुरंत चालू करना होता बल्लेबाजी आ चुकी है और नाम बता ही नहीं रहा तो क्या करेंगे। स्कोर कार्ड शुरू करने के लिए भाई जल्दी जल्दी जो मिला वो लिख दिया जो समझना है।
जी आपने सवाल सही कह रहे हैं भाई, नाम आप सही पहले ही बता देंगे, प्लेइंग इलेवन अपना भेज देंगे। अब मुझे जाके आप लोग के खेमे में प्लेइंग इलेवन लेना पड़ रहा है, तो बताइए लाइव चलाएं आप लोग के पास पहुंच पहुंच के खेमे में प्लेइंग इलेवन लें, नाम पूछें क्या करें, क्या क्या करा जाए, लाइव चलाने वाला क्या क्या करेगा। ये रणजी प्लेयर है जो गेंदबाजी करने आ रहा है विकास पटेल। भैया नाम क्या है भैया? हेलो हाउ पहली गेंद दो रन भाई एक बॉल वार्निंग दी जाएगी, एक बॉल वार्निंग। पहले ये सब अनाउंसमेंट कर दो ना। नो बॉल। तो फील्डिंग में वहां पर बड़ी गड़बड़ी हुई थी और अंपायर के सर रोहित कारण जाहिर सी बात अगली गेंद पूरी तो होगी। इस बार खेलना चाहते थे उठाकर लेकिन वहां पर कोई खास संपर्क नहीं। दो रन है दीवार पे लगने का, दो रन है दीवार पे लगने का, दो रन है भाई। और दीवार में जो गेंद कर हो चुकी है रन देने के वहां पर दो रन भागने की आवश्यकता नहीं। साइड पे बल्ला दो दो अंडा पीते पीते गला बैठ गया है भाई, सर्दी जुकाम शुरू हो चुका है, काफी सामने आवाज भारी हो रही है। डिप्लोमेटिक विकेट पर मौजूद है आनंद, इसके बाद जो मैच होगा दोनों टीम का जमदार मैच होगा, क्वार्टर फाइनल मैच, दोनों ही टीमें अच्छी होंगी, इसमें जो भी जीतेगी वो टीम भी अच्छी है और जो जीत के बैठी है वो टीम भी अच्छी है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की लाजवाब गेंद, लाजवाब टीम है गाजीपुर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की। अगर इस ओवर में दोनों बल्लेबाज में कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है तो एक छक्के पे एक करोड़ रुपए का इनाम अंतर की तरफ से दिया जाएगा। नए लोग देख रहे हैं शेयर करते रहे, मेरा यूट्यूब चैनल की डिलीवरी है उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे और ये लीजिए फ्री इट बॉल तीन
विकास पटेल काफी अच्छे गेंदबाज हैं, जैसे कि खिलाड़ी बताए गए बिहार अंडर 23 के पहले खिलाड़ी आ चुके हैं और यहां पर रवि के सरजमी पर मौजूद यहां रफ्तार से गिरफ्तार किया। बता दें कि वही सरजमी है जहां पर कभी आकाश दीप जैसे खिलाड़ी भी खेल कर यहाँ से गया है, जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो लीग है आईपीएल, उसमें आरसीबी के टीम में उनको खेलने का मौका मिला और हमारे क्षेत्र का नाम उन्होंने सबसे देश में रोशन करने का काम किया। भुलंदर जहाज से जहां के भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए भुलंदर जहाज से रन बोलिए सर, रन रन बोलिए। एक ओवर में कितना रन हुआ है बोल दीजिए भाई। बिहार रणजी प्लेयर जैसे खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं, आकाशदीप जैसे बल्लेबाज जो किस समय यहाँ से खेल के जा चुके हैं, इस ग्राउंड का नाम जान सकते हैं। अगर अगले मैच में इस तरह से खेलेंगे तो उनके गेम का 20 रन माइनस किया जाएगा। बांधे बांध खेला थोड़े में भी रनर का ग्रीन चांस होता है। अगर राजन प्रवृत्ति तो यूट्यूब चैनल डीडी देवरिया दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर जो मैच से लोग जुड़े हैं, डीडी देवरिया यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जो मैच को नहीं देख पाएंगे वो डीडी देवरिया पर जाके यूट्यूब पर जाके बाकी अच्छे बल्लेबाजी करते हुए हैं। शॉट इस बार खराब हो गया और गेंद चली जाएगी सीमा पर खड़ा है 6 रन के लिए। काफी शानदार दमदार तोड़ता भागता हुआ छोड़ बाबू के बल्ले से, नाम इनका जरूर बाबू है लेकिन नाम बाबू वाला नहीं है। इस बार वेरिएशन वाली गेंदबाजी कभी ने कहीं ने कहीं अपना अनुभव का यहाँ पर तस्वीर है और शानदार अच्छे बल्लेबाज अभी तक नजर आए मुकाबले में। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज चाइनीज मुख्य अंपायर लाला और गुप्चंद यही गैर पड़ती हुई गेंद समझ में नहीं आ पा रही है। अगर इस ओवर में सोनू यादव जितने अभी विकेट लेंगे राजा हसन की तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर बाबू हार्दिक छक्का लगाते हैं तो 300 रुपए का इनाम मिल जा सकता है की तरफ से। बता दें कि मुकाबला 6-6 ओवर होगा और बड़े बल्लेबाजी कर रहे पीएनबी के टीम ने 6 ओवर में 93 रन का लक्ष्य यहां पर जरूर खड़ा किया है। 93 रन प्राप्त कर पाएंगे क्या ये पर्याप्त है खड़े को समय ही बताएगा। नए गेंदबाज राहुल जा सकते हैं। मैं देख रहा हूं सामना करने चाहिए
बनते कि ना 6 15 भाई तो 5 को भरी किसी हो जाएगा। इस विकेट पे दूसरा मैच चालू है इसलिए विकेट तो खराब हो ही जाएगा क्योंकि अधिकतर अब स्पाइक गोटी वाले जूते से बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं जिसको युवराज के नाम बैट्समैन अजीत चाइनीज हार्दिक चौका लगाते हैं तो 5 रुपए का इनाम मिल गया सत्तर की तरफ से। बॉलर साहिब अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 2,001 रुपए का इनाम इलियास अख्तर की तरफ से दिया जाएगा। आज का नाम ही नहीं आया भाई कैसे स्कोर आ गया अपडेट कर बॉल यार बॉल बल्लेबाज का नाम क्या भैया बल्लेबाज का नाम है अगर आप इस मुकाबले में बने रहना है तो कुछ लंबे और अच्छे से खिलाड़ी होने के लिए 18 और 17 गेंदों पर बाउंड होने का सकता है। इस बार मिसफील्ड में वहां बल्लेबाज और विकेटकीपर दोनों से और बाई के रूप में गेंद चली जाएगी दोनों के लिए
इसी दौरान के सहारे से बढ़ता हुआ 45 रन तक जा पहुंचा विकेट के नुकसान पर कोचेस ने बताया मोरकल मोरकल अच्छा मोरकल का तो बरकत सुनाई दे रहा और ये आउट हो जाएंगे बाबू काफी अच्छी यहाँ पर विकेट कीपिंग विकेट कीपर के द्वारा पचास हजार का प्राइस है सर पचास हजार के नाम पूछ ले भाई नाम दो रन लेकिन दर्शकों के लिए तो फायदेमंद साबित नहीं है जैसे कि हर साल आप कहते हैं देखने को मिलता है बिना खासा बने बीच में हम आरसीबी समर्थक आउट हो गए भैया नाम नाम पूछना विवेक आए हैं सामना करेंगे बावरा ना भी बना बहुत यार हम क्लोज कर देना क्लोज क्षमा मैच ये हो रहा है रोहतास जिले में कैमूर और रोहतास दोनों सटे हुए जिले हैं बिहार के वहीं पे मैच हो रहा है बॉल यार दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला पेवंदी और कोचेस के बीच खेला जा रहा है जिसमें कोचेस पेवंदी को बल्लेबाजी में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 93 रन का लक्ष्य दिया है अभी यह मैच प्रगति पे है विकास पटेल के बाद और जो नए बल्लेबाज हैं यहाँ पर
नाम जरूरी से बल्लेबाज का छोटी है, लेकिन इसका हौसला बहुत बुलंद है। पहले गेंद पर अपने आक्रमणता का यहाँ पहचान देती है छोटी, क्या इस मिसाइल में वीरो बन पाएंगे? सोनकर भाई मैं रोहतास में हूँ, रोहतास में कैमूर जिले के पास है रोहतास, ये भी एक जिला है चिनार। विकास पटेल मैंने उनके अंदर वहां निकाला था छोटी ओवर बाउंड्री हल्की सी स्पीड में और भाग कर बगैर पूरा कर रहे हैं। शहर के पास जो मैच हो रहा है जिला रोहतास है, इसके बाद जो मैच होगा गाजीपुर वर्सेस, इसमें से जो टीम जीतेगी, दोनों टीमों का एक घमासान मैच होगा क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत मजबूत है। बॉल यार विकास भैया, विकास सारी जी आप ध्यान कर रहे हैं, आप उधर हैं नुमान भाई? नहीं है भाई आज के मैच में तो नुमान भाई नहीं है, 9 तारीख वाले मैच में कहीं आए या फिर 10 को फाइनल, उसमें नुमान भाई है। आजमगढ़ में ग्रामीण चल रहा है, वहाँ कहीं खेल रहा है वो। एक हाथ से गेंद को लपका के जैसे जैसे लगता है कि नदी में मछली पकड़ा जाता है। एक गेंद है भी, एक गेंद और हाथ से बिल्कुल गेंद को छोड़ा ही नहीं विकास। नाम पूछ लेना भाई बल्लेबाज का। मैं बल्लेबाज पिंटू आए हैं विदेश में जाने के बाद। एक बोल है का चले रहने दे, चले छोड़िए। अगर सामने भाई विकेट लेते हैं तो इलियास सत्तर की तरफ से 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और बल्लेबाज जो पिंटू आए हुए हैं अगर इस ओवर में जितने छक्के मारते हैं तो एक छक्का पे 201 रुपया का इनाम गोपी राज आयन की तरफ से दिया जाएगा। बल्लेबाज पिंटू के लिए अगर इस ओवर में वो मारते हैं तो अब आखिर अगर प्रगति पे गेंदबाज साकिब होंगे और आगे का आखिर अगर हमारे सुनाने हमारे बड़े भाई बड़े खिलाड़ी जी में कमेंट्री करने का भाग देना चाहूंगा। बड़े भाई बड़े खिलाड़ी जी और छोटे भाई काफी अच्छी नॉलेज है क्रिकेट में इनको, जिसका आपका रूप सुन भी रहे थे हमारा औपचारिकता बची है इस टूर्नामेंट की इसी कार्यों में आगे वो प्रगति पर है। साकिब जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है जितना छक्का मारेगा वही हमारे तरफ से 201 रुपए का इनाम है प्रत्येक छक्के पे। और 4 गेंद है का फील्डिंग के साथ पारी का आखिरी अपने स्पेलर
पहला ओवर लेकर सामने आ बल्लेबाज बिल्कुल आगे निकल के खेलना चाहते थे, हालांकि विकेट के ऊपर से भागना चाहते थे श्रेयस अय्यर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गेंद जाकर उनके थाई पर टकराई, नो बॉल। यहाँ पे विकास ने बेहतरीन फील्डिंग किया, वहां पर रन आउट चलता कर दिया है बल्लेबाज को। अगर बॉलर साहब दो बॉल पे दो विकेट लेते हैं तो बबलू वाली साहब और बल्ब जी की तरफ से टाइटन का वाच दिया जाएगा। और जिस तरीके से मैं बता रहा था कि माहौल कोई भी हो, मुकाबले में सिचुएशन कैसा भी हो, विकास जिस तरीके से रविंद्र जडेजा यही नाम लगा रहे हैं, देख लीजिए सारे नाम यही से घोषित किए जा रहे हैं। उसी तरीके से विकास जो है बेहतरीन फील्डर है अपनी टीम के, जिस टीम में रहते हैं छाए रहते हैं अपनी फील्डिंग के दम पे। पॉइंट लॉन्ग 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 ऑफ के ऊपर फील्डिंग करते हैं, कभी कभी मैंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर भी फील्डिंग करते हुए देखा है। बेहतरीन फील्डर इसके बाद जो मैच होगा वो बहुत दमदार होगा, बहुत ही दमदार मैच खेला जाएगा इसके बाद। मैच हो चुका है खत्म, जीत चुकी है टीम, मैच से बहुत दूर जा चुकी है कोचेस की टीम। अगला मुकाबला मैन ऑफ द मैच रहेंगे शाकिब, गाजीपुर बनाम पवन। ओवर की समाप्ति और जीत लिया इस मुकाबले को पवन ने। वनडे टीम के प्लेयर राजू जी से अनुरोध है कि अपना इनाम आके कमेंट बॉक्स में ले।